सब्जेक्टिव शीट नंबर 41 जो कि रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट हमेशा का टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन है कि अ डिस्क जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 kg है, तो मास की वैल्यू इसमें 5 kg गिवन है और ये डिस्क है। इसका रेडियस आपको गिवन है 10 cm, 10 × 10⁻²⁰ मीटर, और एक्सिस ये रहा, इस एक्सिस के अबाउट घूम है विद ओमेगा 8 rads/s। क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डिस्क का आई का फॉर्मूला सबको पता है, ½mr², तो m पता है, r पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी गिवन ही है, चलो बात ही खत्म। तो आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5 गिवन है। टॉर्क निकालना है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, यानी कि गिवन है कितना, 18 rads/s². तो टॉर्क क्या होता है? आई इंटू एल्फा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आई और एल्फा को, टॉर्क की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, क्लियर है यहाँ तक? तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 cm, और आपको रेडियस की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 cm, मीटर में कन्वर्ट कर लेना प्लीज। तो सेंट्रल एक्सिस है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन है, विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 rads/s। व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सिलेंडर? स्टॉप का मतलब ये ओमेगा 1 गिवन है, तो ओमेगा 2 क्या होने वाला है? 0 एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि अल्फा कांस्टेंट है, इन टाइम टेकन t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो आपको क्या निकालना है इसमें? टेंजेंशियल फोर्स निकालनी है। देखो अगर आपको इसमें टेंजेंशियल फोर्स निकालनी है तो एक्सेलरेशन भी इसकी क्या लेनी पड़ेगी? टेंजेंशियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है यहां तक? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले इन टर्म से हम क्या निकालेंगे? ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी से गिवन, गिवन और गिवन क्या आएगा? अल्फा। तो यहाँ वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा? अल्फा। रादर रिटार्डेशन आने वाली है इसमें, क्योंकि इसमें बॉडी स्टॉप होने वाली है, तो अल्फा नेगेटिव आएगा, तो अल्फा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लास्ट तो इसमें अल्फा की वैल्यू आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या करवाई थी? देखो सर्कुलर मोशन में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है? इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा। सर्कुलर मोशन में वी इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आपको इस क्वेश्चन में आर पता है और अल्फा आपने निकाल लिया, तो यहां से क्या आ जाएगी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? आंसर आएगा इसमें। ठीक है,
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तो कैसे करना है। नेक्स्ट थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन है एक फ्लाई व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, आई गिवन है, तो सीजीएस में अगर आपने सीजीएस में काम करना है सब कुछ सीजीएस में रखो, नहीं तो ऐसा ही करना है फिर सब कुछ ऐसा ही रखो। तो कन्वर्ट करना केजी पर मीटर स्क्वायर में, केजी मीटर स्क्वायर में, इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 रोटेशंस पर मिनट। तो ये क्या गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 120 बाय 60 करना पड़ेगा ताकि आरपी क्या बन जाए, एस, आरपीएम आरपीएस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 RPS। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द कांस्टेंट ब्रेकिंग टॉर्क, आपको टॉर्क बताना है कितना चाहिए ताकि बॉडी स्टॉप हो जाए, स्टॉप होने का मतलब फाइनल ओमेगा क्या हो जाए, 0। तो इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, इनिशियल ओमेगा, और ये हमें क्या गिवन है, फाइनल ओमेगा, और कब, आफ्टर कवरिंग 5 रोटेशन। अब ये जब भी क्वेश्चन में आए 5 रोटेशंस, तो इसका मतलब वो आपको एंगल दे रहा है, थीटा दे रहा है, कैसे, एक रोटेशन में एंगल कवर कितना है, 2 पाई, दो में कितना है, 2 × 2 पाई, पांच में कितना है, 5 × 2 पाई, तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 10 पाई रेडियंस आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब आपको ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी की वैल्यू लगा के, ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 1 पता है, और नहीं गलत लगा दिया, इसकी जगह ये मत लगाओ क्योंकि टाइम नहीं पता, इसकी जगह लगाओ ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो आपको क्योंकि थीटा पता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता है, तो सॉल्व करके क्या जाएगा, अल्फा, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, आई टाइम्स अल्फा, आई आपको गिवन है, अल्फा से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। आंसर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कोई डाउट है इसमें, ठीक है यहां तक। यहां तक ओके, नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ क्वेश्चन। इफ अ कॉन्स्टेंट टॉर्क ऑफ, तो क्या गिवन है इसमें, टॉर्क गिवन है न्यूटन मीटर, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर के यूनिट्स होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में गिवन है थ्रू इट्स सेंटर, फाइंड गेन इन एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकंड। तो अंडरस्टूड है, गेन कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट क्या रहेगा, 0, और गेन का मतलब आपको फाइनल ओमेगा निकालना है कब, जब टाइम क्या है, 2 सेकंड। एक काम करते हैं, टॉर्क और आई से एक बात तो पक्की है, सॉल्व करके क्या जाएगा, अल्फा, फिर यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो यहां पे ओमेगा निकालना है
ये पता है, ये पता है और ये भी पता है आंसर, तो फाइनल ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गए, क्योंकि टॉर्क से अल्फा निकलेगा, अल्फा से रोटेशनल काइनेमेटिक्स निकलेगा। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो एक स्फीयर है जिसका मास आपको गिवन है और रेडियस आपको गिवन है, एसआई में कन्वर्ट कर लेना। रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 300 आरपीएम, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 300 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 5 आरपीएस हो जाएगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 पाई रेडियंस पर सेकेंड हो जाएगा। कैलकुलेट टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, तो स्टॉप इट का मतलब ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होने वाला है? जीरो। कब? 6.28 रेवोल्यूशंस। इसका मतलब 6.28 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा? रेडियंस। तो आप यहां से क्या निकालना चाहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का गिवन है, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होगा? आई टाइम्स अल्फा। स्फीयर का आई का फॉर्मूला तो सबको पता है, 2/5 mr², तो आई आ जाएगा। अल्फा निकाल लेती है यहां से, क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला पता है, ओमेगा 2 square, ओमेगा 1 square इज 2 into alpha into theta। तो आपको थीटा पता है, ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट करके क्या आएगा? टॉर्क। आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि कौन सी वैल्यू किसमें पुट करनी है? ठीक है, ये नहीं करना, इसके बाद नहीं करना है।